8,244 पदों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन गड़बड़ी होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। लिखित परीक्षा को दोबारा से कराने की नई तारीख आ चुकी है सामने। 23, 24, 25, 30 और 31 ये तारीखें हैं जिन पर परीक्षा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बार किसी तरह की सेंधमारी ना हो, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी कर रखी है तैयारी। सिपाही भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तारीख आप देख सकते हैं 23, 24, 25, 30 परीक्षा के लिए शेड्यूल हो चुका है जारी। और परीक्षा में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जो राज्य सरकार की तरफ से प्रावधान निकाले गए हैं, सजा का ऐलान किया गया है। गड़बड़ी करने वाला और गड़बड़ी कराने वाला दोनों ही शख्स को सजा के प्रावधान के मुताबिक सजा भोगनी पड़ेगी अगर इस बार धांधलीबाजी होती है तो। तारीख नई क्या है, क्या नया होगा इस बार की परीक्षा में, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा है। सर, क्या नया होगा इस बार और नई तिथि क्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा हो रही है इसकी तिथियां 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त दो वीकेंड्स हैं और 23 अगस्त को फ्राइडे है। इन तिथियों को निर्धारित किया गया है और जो इस बीच में शासन के द्वारा काफी मंथन के बाद, सभी से विचार विमर्श के बाद एक शासनादेश निकाला गया था जिसमें परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर उसके संचालन की सभी आयामों को इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से परीक्षा को पूर्ण रूप से शुचितापूर्ण करने के लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षा हो, उसके लिए इस शासनादेश में सभी प्रावधान हैं। ये परीक्षा उसी शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। साथ ही 1 जुलाई को शासन के द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया गया जिसमें परीक्षा में नकल, परीक्षा के लीक करने के मामले या इससे संबंधित सभी अपराध, इम्पर्सनेशन का हो या इससे जुड़े हुए लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हों, तो इन सभी के ऊपर, इन सभी को एक कानूनी दायरे में लाया गया है और इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा या दोनों का प्रावधान रखा गया है। तो शासनादेश और इस अध्यादेश के मुताबिक इन मामलों में बहुत ही कड़ाई के साथ ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है जो परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं या वे कैंडिडेट जो स्वयं इम्पर्सनेट करके जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन सभी मामलों में इन उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सर, जब आप शासनादेश की बात कर रहे हैं तो ये भी बार बार बात सामने आई थी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। जी, उसमें इस बात का प्रावधान है और उसी क्रम में जो शासनादेश के प्रावधान है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि इस बार निजी कॉलेजों में या प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होगी परीक्षा। जी, मोर ऑर लेस ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग का जो प्रायोरिटी भी है और शासन शासकीय कॉलेजेस में और शासन के द्वारा एडेड जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इस बार यूनिवर्सिटीज को भी लिया गया है, तो इनमें ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसे पिछली बार की जो परीक्षा थी और इस बार अभी जो हम लोगों को आदेश मिला है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो निःशुल्क जो बस सुविधा है रोडवेज की वो मिलेगी, ऐसा कुछ है? जी, इस बार ये शासन की तरफ से एक बड़ी सुविधा प्रदान की गई है जिसमें सभी अभ्यर्थी अपने निवास स्थान से, उनके परीक्षा का जहां पर स्थान होगा, जो जिला होगा, वहां पर अगर बस से आते हैं तो उनको निशुल्क बस सुविधा प्रोवाइड की गई है, वो इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो उनको एडमिट कार्ड जारी होंगे, उन एडमिट कार्ड की ही वो 2 अतिरिक्त प्रतियां निकाल सकते हैं और उस 1 प्रति को जाते समय कंडक्टर को अगर देंगे तो उनको फ्री मूवमेंट की बस में सुविधा प्रदान की जाएगी और इसी प्रकार से लौटते समय भी एक कॉपी अगर उसको देंगे तो उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। 60,244 पद हैं जैसा हम लोग जान रहे थे, करीब 30 लाख के करीब अभ्यर्थी थे इसमें, क्या नए अभ्यर्थी भी इस बार आवेदन कर पाएंगे या अभ्यर्थी वही पुराने रहेंगे? नहीं, इसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी पिछले एग्जाम में उन्होंने अपना अभ्यर्थन दिया था, कोई भी नया अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
क्योंकि ये पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर ही भर्ती आगे आयोजित की जा रही है, तो इसमें वही 48 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले बार आवेदन किया था वही इसमें शामिल हो सकते हैं। सर पिछली बार एक बड़ी चूक हुई थी, पेपर लीक हो गया था, जैसा अभी तक की जांच में आया था कि अहमदाबाद में वो एजेंसी जहाज जिसको जिम्मा था पेपर लाने ले जाने का वहां से लीक हुआ है। इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं कि उस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक ना हो? पूरी प्रक्रिया के दौरान हर एक स्टेप को बहुत गहनता के साथ उस पर विचार विमर्श किया गया है और प्रत्येक वो कदम उठाए गए हैं जिससे कि परीक्षा की इंटीग्रिटी में कोई भी बाधा ना आए। बहुत डिटेल इंतजाम किए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षा सकुशल तरीके से बिना किसी लीकेज के या बिना किसी अन्य प्रॉब्लम के पूरी होगी। सर जैसे पहले बताया गया था कि जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे, एसटीएफ तक को लगाया गया था, इस बार वो है या कोई बदलाव है? जी, वो सारी व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी और फिंगरप्रिंटिंग का जो वेरिफिकेशन है वो सभी चीजों का इंतजाम किया गया है। अगर ये जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, अगर इस कोई क्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी या जो एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी वो सभी इसके दायरे में होंगे अधिकारी कर्मचारी? जी, सभी इसके दायरे में आएंगे और इवन एजेंसीज भी इसके दायरे में है, तो इसलिए सरकार ने ये बहुत ही कड़ा एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी जो पार्ट है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा की शुचिता को किसी भी तरीके से भंग करने का प्रयास करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर आपको ऐसा नहीं लगता बहुत ही कम समय में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 6 महीने के अंदर करा लेंगे और भर्ती बोर्ड ने बेहतरीन काम किया है, कम समय के अंदर पूरी तैयारियां हो गई और अब आगे बड़ा चैलेंज है? जी, ये एक बड़ा चैलेंज है लेकिन पूरा शासन प्रशासन पूरा भर्ती बोर्ड इस काम के लिए कृत संकल्प है कि इसको एक अच्छी तरीके से कराया जाए और हमको पूरा विश्वास है कि ये अच्छी तरीके से हम कराएंगे। ये थे पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्णा, जिनका साफ साफ कहना है कि इस भर्ती को नजीर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, सख्त कानून की निगरानी और देखरेख में इस परीक्षा का आयोजन होगा। कैमरामैन